Okay, good morning all of you. So yesterday I assigned you a homework. ठीक है, आपको कुछ questions से उनके answers find out करने थे. तोड़ में एक राजा थे रतन से, ठीक है. उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वीन थी रानी पद्मावती. अब उनकी ब्यूटी जो थी बहुत ज्यादा, अब आप उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा पता चलेगा. मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ. सो अब क्या हुआ, रतन सिंह के वहां पे चित्तौड़ जो एरिया था वहां पे एक चेतन करके उनके दरबार में एक पर्सन था, चेतन. ठीक है, सो वो जो चेतन थे बच्चे वो म्यूजिशियन भी थे और वो जादू टोना भी करते थे, कुछ आत्माओं को बुलाना है एंड ऑल. सो रतन सिंह को पता चल गया कि ये कुछ इस तरह से काम करते हैं. तो रतन सिंह ने क्या किया, उनको बहुत इंसल्ट करके, लिटरली ये कहा जाता है कि उनका मुंह काला करके गधे पे बैठा के उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया अपने एरिया से, अपनी टेरिटरी से. तो अब उसको बहुत गुस्सा आ गया चेतन सिंह को. उसने बोला मैं तो मतलब यहाँ पे तो विनाश करके ही रहूंगा, मैं तो इस डायनेस्टी को मतलब चित्तौड़ ये जो है उसको पूरा मैं खत्म करके रहूंगा. सो अब वो गए खिलजी के पास. अब खिलजी से उसने बातों बातों में बोला आपके पास तो सबसे अच्छी चीजें हैं, ये है वो है, बट एक बहुत ही सुंदर सी क्वीन है, आपको उससे शादी करनी चाहिए. एंड द क्वीन वॉज रानी पद्मावती, पद्मिनी भी कहते हैं उसको, जिसपे अभी पद्मावत स्टोरी भी बनी थी, आपकी मूवी बनी थी, संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर एंड रणवीर सिंह की मूवी थी अगर आपने देखी हो तो. तो अब ठीक है, वो गया वहां पे अलाउद्दीन खिलजी, उसने बोला कि मैं बस रानी की एक झलक पाना चाहता हूँ, वो तो मेरी बहन जैसी है. सो रानी ने मना कर दिया, नहीं मैं तो किसी मतलब दूसरे इंसान की अब पराये पुरुष के सामने मैं क्यों जाऊं. बट फिर डिसाइड हुआ कि चलो, उसके हस्बैंड ने उसको कन्विंस किया कि फालतू क्यों लड़ाई झगड़े करने हैं, ये चला जाएगा तुम्हें देख करके तो शीशा रोक के चलो फाइन, बट मैं मिरर में उसको अपनी शक्ल दिखाऊंगी. तो नीचे मिरर सेट किया गया, खिलजी उसके पास था एंड रानी ने ऊपर से मिरर में देखा. सो उसने जब एक झलक उसने देखा, वाओ हाउ प्रिटी शी इज, इतनी ब्यूटीफुल लेडी, इससे तो मैं शादी करूंगा. सो अब उसने क्या किया, बहुत सी चालें चली, देन फाइनली अटैक कर दिया चित्तौड़ को. इसमें भी बहुत कुछ हुआ था, जब वो गया उसका हस्बैंड उसको बाहर छोड़ने आता है पद्मावती का, तो वो उसके हस्बैंड को ही, रतन सिंह को ही किडनैप कर लेता है. बाद में बादल और गौरा करके उसके जो दो सैनिक होते हैं वो आते हैं कि नहीं चलो हम रानी लेकर के आ रहे हैं. सो वो आते हैं और वापस अपने रूलर को रतन सिंह को छुड़ा करके लेकर के जाते हैं. बाद में ये जो खिलजी होता है वो अपनी पूरी की पूरी फोर्स के साथ में उसके ऊपर अटैक कर देता है. सो जब लड़कियों को पता चलता है, सारी औरतों को सॉरी पता चलता है कि अब जो हमारे जो मेल्स हैं मतलब वो शहीद हो जाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे अब वो इसमें लड़ाई में. सो उन्होंने बच्चा जौहर किया. पता है जौहर क्या होता है, जब पुराने टाइम में ये जो राजपूत फीमेल्स होती थी इनको पता चलता था ना कि हमारे जो मेल्स हैं या जो हमारे हस्बैंड्स हैं वो वॉर में हार चुके हैं और अब जो एनिमीज होंगे वो बच्चा हमारे इंसल्ट करेंगे, हमारा निरादर करेंगे, सो ऐसी जिंदगी से अच्छा तो हम मर जाएं. सो वो क्या करते थे, एक बड़ा सा पूल होता था वहां पे आग जलाते थे, ठीक है, बहुत बड़ी चिता सी जलाते थे और उसमें जितनी की औरतें होती थी सारी की सारी उस राज्य की जितनी भी औरतें होती थी वो बच्चा सब कूद करके मतलब खुद को ही जला लेती थी, बड़ी सी आग जलाते थे और उसमें वो कूद जाती थी और ऐसे अपना जीवन वो मतलब खत्म कर देती थी कि नहीं वी डोंट वॉन्ट डिसरिस्पेक्ट, हमें किसी भी तरीके की इंसल्ट और डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहिए. तो ऐसे रानी पद्मिनी की और खिलजी की ये स्टोरी बहुत फेमस है. यस गार्गी, तो मैंने आपको ये स्टोरी पढ़ के आने को कहा था, हमने एंशियंट इंडिया के टाइम पे भी मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई थी. अगर मीडियल हिस्ट्री के टाइम पे भी, ऑन विच स्ट्रीट वॉज मलाला स्कूल लोकेटेड, आंसर मलाला स्कूल वॉज लोकेटेड ऑन अ मडी लेन ऑफ हजी बाबा रोड. ओके गार्गी, आपको किसने असाइन किए क्वेश्चन, मैंने तो नहीं दिए थे, किसने दे दिए बच्चा आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं आपको जो क्लासरूम में देती बच्चा आप वही करके आया करो, ठीक है. एनी हाउ चलो आपने अच्छा किया फिर सर्च करी. तो अब आपको स्टोरी क्लियर है, पद्मावती की स्टोरी, रोहित ऋषि क्लियर है बच्चा, समझ में आ गई स्टोरी, यास्मीन ठीक है, नाज़ल. चलो अब एक बार यूट्यूब पे आप शॉर्ट स्टोरी करके देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. इतना डिटेल में वो कब पैदा हुआ क्या हुआ इतना डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं. गार्गी प्लीज नाउ लोअर डाउन योर हैंड बच्चा, हम बाद में बात करेंगे. चलो अब देखो, वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन कि उबर कैब जो है उसने कौन सी कंपनी के साथ, टेलीकॉम कंपनी के साथ सेटअप किया है
कि क्या होगा कि अब आगे चल के जब हम उनकी कैप्स यूज करेंगे तो हम उनका फ्री वाईफाई यूज कर सकते हैं। यस आर्यन, लक्ष्य, अर्पित, फटाफट आंसर। ऋषि, ओके फाइन, एयरटेल इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, ओके एयरटेल इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एनसीआरबी स्टैंड फॉर। अब बहुत से एब्रिविएशन हैं, ठीक है, बहुत से शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनके बहुत से निकल जाएंगे, आपको आपके टीचर ने असाइन भी किया हुआ है, मैंने देखा था गूगल क्लासरूम पे आपके पास है सम एब्रिविएशन करके, तो बच्चा उसको रीड कर लेना और अगर नहीं है तो डू लेट मी नो, मैं शेयर कर दूंगी। यस रोहित, क्या है एनसीआरबी का फुल फॉर्म और क्या करता है ये? मैम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और अब ये करता क्या है, आप स्लाइड से एक्सप्लेन कर सकते हो? इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी मैम, ये इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैम एनालिसिस, मैम जो क्राइम डाटा मैम जो है मैम उसको एनालाइज करने के लिए और जितने भी क्राइम डाटा मैम उसको कलेक्ट करने के लिए मैम ये बनाई गई है मैम। और ये आईपीसी क्या है, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी क्या है मैम? डोंट नो, एक्ट है ये, इंडियन पीनल कोड 1860, इसमें सारे के सारे आपने जज नहीं होता धारा 302 के तहत इसको लटका दिया जाए हैंग टिल डेथ। सो वो जितने भी क्राइम्स है बच्चा वो आईपीसी में ही मेंशन है सारे, इंडियन पीनल कोड। ऑल्सो इसका जो प्रोसीजर होता है कि किस तरह से काम होगा वो सीआरपीसी में है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और ऑल्सो सारा का सारा जो कि स्पेशल लोकल लॉज में है। अब लोकल लॉज कौन से हो सकते हैं उसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंशन कर दिया है, ऐसे बहुत से हो सकते हैं, लाइक तमिलनाडु का है स्पेशल एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, लॉटरी से रिलेटेड है, द सेल ऑफ लॉटरी स्टेट, ठीक है, ये एक स्पेशल एक्ट, दिस इज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ऐसे लॉ का, स्पेशल लॉ का। बाकी आईपीसी तो पूरे इंडिया में लागू होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपके पूरे इंडिया में लागू होता है, वैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ये पूरे आपके इंडिया में लागू होता है। ओके चलो, अब जिसका टर्न नहीं आया मैं उनसे पूछूंगी। नेक्स्ट इज गार्गी और लक्ष्य आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च स्मार्ट वॉल्ट डिजिटल लॉकर फैसिलिटी? गार्गी फटाफट आंसर, नो अदर क्वेश्चन। यस लक्ष्य, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करना। मैम आईसीआईसीआई। मैम यस बैंक। ओके, और कौन, किसका आंसर नहीं आया? नेजल का आंसर नहीं आया टर्न बच्चा। यस नेजल बताओ। आईसीआईसीआई। ओके यास्मीन फटाफट बताओ। मन्नत। मैम आदित्य, चिराग। मैम आईसीआईसीआई। ऋषि। आईसीआईसीआई। कहाँ हो दीवान? मैम एसबीआई। एसबीआई, अब बच्चा ये होता क्या है? चलो आंसर तो जो भी है आपका, इसमें क्या होता होगा, ये लॉकर जो है कैसे फंक्शन करता है? कहाँ रोहित? हाँ रोहित, कैसे फंक्शन करेगा ये? चलो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने आपके ये जो है लॉन्च किया है, ठीक है, तो हम इसका वीडियो देख लेते हैं, एक मिनट। एक मिनट क्लास, बस मैं ओपन कर लूं। हेलो, अगर स्क्रीन विजिबल हो तो गिव मी थम्स अप। अर्पिता, अगर ऑल ओके, ऑडियो भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, तो गिव मी थम्स अप। नो वर्किंग और नॉट? नो, जस्ट अ मिनट। हाँ अर्पिता, क्या इशू आ रहा है? ओके चलो वापस से स्टार्ट कर देती हूँ मैं एक बार। चलो कोई बात नहीं, रोहित अगर सुनाई में नहीं दे रहा है तो आप देख लो बस सिंपल। ये देखो, Smartphone
next we will talk about surface speech and graph robots. Scan the coordinates. All the way to come. For sure, the human performance and smooth operation. Just a few minutes. तो ये आपका जो आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल स्मार्ट वॉल्ट डिजिटल लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है. ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.